तो लौकी की सब्ज़ी देख के अधिकतर लोगों का मुंह बनने लगता है कि घर में आज तो लौकी की सब्ज़ी बनी है इसे कौन खाएगा लेकिन आज मैं आपके साथ लौकी की बहुत ही स्वादिष्ट और एकदम लाजवाब सब्जी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ यदि आप इस तरह से ट्राई करेंगे सब्ज़ी को तो सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है तो हेलो फ्रेंड्स मैं वर्षा भावसा रसोई घर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स बनाना शुरू करते हैं तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ली है तीन ग्राम लौकी तो लौकी को हम अच्छे से साफ़ कर लेते हैं यानी जो इसका छिलका है इसे निकाल देंगे और छिलका निकालने के बाद हम इसके पीस कर लेते हैं तो जब आप लौकी खरीदें तो इस बात का ध्यान रखें कि लौकी बिल्कुल फ़्रेश खरीदें क्योंकि फ्रेश लौकी जो होती है पकने में भी आसानी होती है और बहुत ज़्यादा मोटी साइज़ वाली लौकी नहीं खरीदें क्योंकि उसमें बहुत सारे बीज होते हैं तो मैं यहाँ पर इसके थोड़े से बड़े और थोड़े से पतले पीस कर रही हूँ और लौकी में जो ये वाइट वाला पार्ट होता है आप चाहे तो इसे थोड़ा सा निकाल दीजिए ऊपर से या फिर इसे रहने भी देंगे ये आपके ऊपर डिपेंड है तो मैं थोड़ा सा इसे ऊपर से निकाल देती हूँ तो पूरी लौकी मैंने यहाँ पर काट के तैयार कर ली है तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा पतला ही काटा है मैंने इसे तो लौकी काटने पे बहुत जल्दी से अपना कलर चेंज कर देती है यानी बहुत जल्दी से काली पड़ने लगती है तो हम इसमें एक गिलास पानी डाल देते हैं ताकि इसका कलर चेंज नहीं हो और अब हम इसकी ग्रेवी बना के तैयार करेंगे तो ग्रेवी बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर तीन टमाटर दो हरी मिर्च और एक इंच अदरक का टुकड़ा इन सारी चीज़ों को काट के मिक्सी जार में डाल दिया है साथ ही मैंने लिए है आठ से दस काजू काजुओं को मैंने एक घंटे के लिए गर्म पानी में भिगो के रखा हुआ था जिससे थोड़े से सॉफ्ट हो चुके हैं और इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पीस लेते हैं तो यहाँ पर मैंने इसका बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार कर लिया है तो अब हम सब्जी बनाना शुरू करते हैं इसके लिए मैंने गैस चालू करके गैस पे कढ़ाई रखी है अब मैं डाल रही हूँ दो बड़े चम्मच तेल क्योंकि ये ग्रेवी वाली सब्ज़ी है थोड़ा सा तेल ज़्यादा ही लगता है इसमें तो तेल के गर्म होने पे सात आठ दाने मैंने काली मिर्च के डाले हैं आ, आधी चम्मच मैंने राई ऐड की है साथ ही आधी चम्मच हम इसमें जीरा भी डाल देते हैं तो राई और जीरा जैसे ही फ्राई होते हैं एक छोटा सा टुकड़ा मैंने दालचीनी का डाला है और एक हम डालेंगे तेज़ तो तेज़ और दालचीनी डालने से बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा सब्जी में और अब हम इसमें ये टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर देते हैं तो एक बार चला लेते हैं तेल में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे ताकि ये नीचे नहीं चिपके तब तक हम इसके लिए मसाला बना के तैयार कर लेते हैं तो इसके लिए मैंने ली है एक चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर एक चम्मच नमक और आधी चम्मच में इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर देती हूँ साथ ही एक चम्मच हम डालेंगे धनिया पाउडर तो नमक और लाल मिर्च जो है आप अपने स्वाद अनुसार मैनेज कर लीजिए और थोड़ा सा पानी डाल के हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं और इसका घोल बना के तैयार कर लेंगे तो ये देखिए यहाँ पर इसका घोल मैंने बना लिया है तो अब हम टमाटर के पेस्ट को भी चेक कर लेते हैं तो ये देखिए ये भी अच्छे से फ्राई हो चुका है इसके साइड में से तेल निकलने लगा है यानी ये अच्छे से पक चुका है तो अब हम इसमें ये मसाले का घोल ऐड कर देते हैं तो मैंने यहाँ पर लहसुन और प्याज का यूज़ नहीं किया है लेकिन यदि आप चाहें तो डाल सकते हैं और इन सारी चीज़ों को एक बार फिर से अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मसाले को भी अच्छे से पकने देते हैं हम गैस का फ्लेम लो ही रखेंगे ताकि ये सारी चीज़ें हमारी जले नहीं तो ये देखिए सभी में से तेल निकलने लगा है और बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है इसका तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी दो चम्मच मूंगफली के दाने का पाउडर मूंगफली को मैंने अच्छे से सेक के और इसका छिलका निकाल के इसका मैंने बिल्कुल बारीक पाउडर बना लिया है तो ये भी इसमें ऐड कर देते हैं दो चम्मच डाला है मैंने इसमें एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो मूंगफली का दाना डालने से एक तो ग्रेवी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी भी हो जाएगी और बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और अब मैं इसमें ऐड करूँगी दो से तीन चम्मच फ्रेश मलाई यदि आपके पास नहीं हो तो आप फ्रेश क्रीम का भी यूज़ कर सकते हैं तो मलाई भी डालने से बहुत अच्छा सा कलर आएगा ग्रेवी में तरी सी दिखेगी क्योंकि मलाई जो है अपना घी छोड़ेगी तो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इसे एक बार तो ये देखिए फ्रेंड्स ये जो ग्रेवी है हमारी बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो चुकी है बहुत अच्छा सा कलर है इस ग्रेवी का तो अब हम इसमें ये लौकी डाल देते हैं तो सारा पानी निकालते हुए लौकी मैंने इसमें ऐड कर दी है और लौकी को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूंगी करीब आधा कप तो पानी आप बहुत ज़्यादा नहीं डालें क्योंकि लौकी में भी अपना पानी होता है लेकिन लौकी पूरी तरह से कच्ची है इसे पकने के लिए थोड़ा सा पानी चाहिएगा तो मैंने यहाँ पर आधा कप पानी यूज़ किया है इसके लिए और इसे अच्छे से मिक्स कर देते हैं और अब हम इसे कवर कर देंगे और लौकी को अच्छी तरह से पकने देंगे तो गैस का फ्लेम लो करके ही मैंने इसे पकाया है तो एक बार चेक कर लेते हैं कि लौकी हमारी पकी है या नहीं तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी में कितना अच्छा सा कलर आया है और बहुत ही अच्छी सब्जी लग रही है तो लौकी को हम थोड़ा सा दबा के देख लेते हैं तो ये देखिए लौकी दबने लगी है यानी ये पक चुकी है और यदि आपकी लौकी नहीं दबती है तो कुछ देर आप इसे और रहने दें कवर करके छोड़ दें और लौकी को पूरी अच्छी तरह से पकाएं आप तो आप चाहें तो इस समय इसमें इस कसूरी मेथी भी ऐड कर सकते हैं या गरम मसाला भी डाल सकते हैं तो अब मैं इसमें ऐड करूँगी करीब आधा कटोरी अंगूर के दाने या बीस से पच्चीस अंगूर के दाने हैं अंगूर के दाने डालने से इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा सब्जी बिल्कुल डिफरेंट टेस्ट में लगेगी आप जरूर से डालिए क्योंकि इस मौसम में अभी अंगूर भी आ रहे हैं तो अंगूर को हमें बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है क्योंकि अंगूर बहुत जल्दी से पक जाते हैं तो अब हम इसमें धनिया पत्ती भी ऐड कर देते हैं गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और सब्ज़ी हमारी गर्म है ही सही इसी गर्मी से अंगूर थोड़े से पक के तैयार हो जाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही लाजवाब सब्जी हमारी बनकर बिल्कुल तैयार है तो आप इसे गर्मा गर्म चपाती पूड़ी पराठे के साथ सर्व करें और अगर आज की रेसिपी पसंद आती है तो लाइक ज़रूर से कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ